हाँ जी, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो हूँ पांच तरीके बताने वाला हूँ कि इन पांच तरीकों से आप दुबई में इजीली जॉब देख सकते हैं, और ये बिल्कुल सही और प्योर तरीके हैं, बिल्कुल फ्री। तो वीडियो को पूरा देखो, आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा। हाँ जी, तो बात है ऐसी ना जाने कैसी, इस वीडियो में मैं आपको पांच तरीके बताने वाला हूँ कि आप दुबई में कैसे आ सकते हैं इन पांच तरीकों से, और फ्री में जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं। तो पहला तरीका जो है मैं आपको बताता हूँ, नंबर वन तरीका ये है कि अगर आप किसी को जानते हैं या आपका कोई रिलेटिव है, आप उसके थ्रू यहाँ पर आ सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। मुझे नहीं लगता कोई किसी का रिलेटिव आपसे पैसे लेगा, तो आप जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देंगे तो वो सिर्फ पैसे देने होंगे आपको वीज़े के और टिकट के और रहने के, अगर वो आपको अपने साथ नहीं रख सकता है तो वो आपको रहने के पैसे उसको देने होंगे। और यहाँ पे आने के बाद आप खुद जो है आराम से जॉब ढूंढ सकते हैं, या वो किसी को जानता है या किसी कंपनी में वो काम करता है तो आपको वो वहाँ लगवा सकता है। आप ट्राई करके देखें, कभी कभी ऐसा होता है हम लोग शर्मा जाते हैं थोड़ा अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से, आप किसी से पूछने के लिए, तो आप पूछ लें। और कभी कभी ऐसा होता है आप जिससे पूछते हैं उसके पास भी जॉब नहीं होती, और हम उसको जो है ब्लेम करते हैं फिर, यार उसने जॉब नहीं दिलाई, ये है वो है, तो इन चीज़ों को इग्नोर कीजिए आप। अब दूसरा तरीका सुनिए, वो दूसरा तरीका आपके लिए है। तरीका नंबर दो ये है दुबई में आने का, सोशल मीडिया या सोशल साइट या सोशल नेटवर्किंग, इन चीज़ों से आप जो है जॉब देख सकते हैं इजीली। मैं आपको कुछ साइटों के नाम बता रहा हूँ, इन साइटों पे आप जो है अप्लाई कीजिए और इन पे अपनी CV बना के डालिए, ज़रूर कोई ना कोई आपको कॉल करेगा या ईमेल करेगा या आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, कोई ना कोई कंपनी तो होगी। बहुत सारी साइटें हैं, इंडीड है, डूबीजल है, लिंक्डइन है और नौकरी गल्फ है, बहुत सारी इस तरह की साइटें हैं, आप इन पे जाके अपनी CV डालें और वहाँ से जो है आप जॉब ले सकते हैं इजीली। तो ये दूसरा तरीका था, अभी मैं आपको बताता हूँ तीसरा तरीका। तो तीसरा तरीका बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप मुझे नहीं जानते, मेरा नाम वसीम है, मैं दुबई में रहता हूँ और यहीं पर काम करता हूँ काफ़ी सालों से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। अगर मुझसे कुछ भी बात करनी है आप लोगों को तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपको कुछ पर्सनली बात करनी है, कुछ पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में नहीं कर सकते। मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पर आ रहा होगा, आप मुझे वहाँ पर फॉलो कीजिए और मुझे मैसेज कर दीजिए, तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर देता हूँ। ज़्यादातर मैं 99% सभी के कर देता हूँ, अगर एक आधा कोई छूट जाता है ऊपर नीचे तो मुझे यार दोबारा मैसेज कर दिया करो या कमेंट कर दिया करो रिमाइंडर के लिए, तो मैं जो हूँ आपको रिप्लाई कर दिया करूँगा। तो तरीका नंबर तीन ये है कैरियर। ऑनलाइन साइट पर कैरियर का ऑप्शन होता है, वो शायद बहुत कम लोग उस पर फोकस देते हैं, तो इसकी वजह से उन्हें जॉब नहीं मिल पाती या वो ढूंढ नहीं पाते। मैं आपको बताऊंगा कैसे, आपको यहाँ पे कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, कोई साइट का लिंक यहाँ पे मैं एक आ रहा होगा वो भी दिख जाएगा, और मैं आपको बता भी रहा हूँ। एग्जाम्पल, आप काम करते हैं होटल में, आप काम करते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में या रेडिसन ब्लू होटल पे, आप उस होटल की साइट पे जाइए, सबसे नीचे लास्ट पेज में लिखा होगा अबाउट द कंपनी और उसके पास में लिखा होगा कैरियर। अगर वहाँ पे कैरियर नहीं लिखा होगा तो अबाउट अस वहाँ पे लिखा होता है, अबाउट अस, आप उस पर क्लिक करें, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे एक ईमेल एड्रेस मिलेगा HR का, आप उस पर डायरेक्टली अपनी CV भेज सकते हैं, या वहाँ पे कैरियर का ऑप्शन होगा, आप उस कैरियर पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे लिखा हुआ आएगा अप्लाई नाउ, और कुछ ना कुछ वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा आपकी CV डायरेक्ट कंपनी में भेजने का। तो ये सबसे बेस्ट और यूनिक तरीका है अपनी CV उस कंपनी में भेजने का। कुछ लोग जो है इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं देते, और शायद मुझे नहीं लगता YouTube पर किसी ने बताया भी होगा ये तरीका दुबई आने के लिए। ये दुबई आने के लिए नहीं है, आप कोई सी भी कंट्री जाना चाहते हैं और किसी भी कंपनी में जाना चाहते हैं, एग्जांपल कंपनी कनाडा में है या एग्जांपल कंपनी सऊदीया में है या बहरीन में है, कहीं भी है, आप उस कंपनी के प्रोफाइल पर जाइए ऑनलाइन, और वहाँ पे जो है कैरियर का ऑप्शन होगा या अबाउट अस होगा या कॉन्टैक्ट अस होगा, वहाँ पे HR का ईमेल एड्रेस होता है, आप उस एड्रेस पे अपनी CV भेज सकते हैं और आपको इजीली वहाँ पे जो है जॉब अप्लाई करने का तरीका मिल जाएगा।
तो ये जो है तीसरा तरीका था, बिल्कुल बेस्ट तरीका है, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। और ट्राई करके थोड़ा पेशेंस रखिए, ये नहीं आज ट्राई किया कल कॉल आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है एचआर के पास बहुत सीवियर होती है, बहुत डाटा होता है, अगर वहाँ पे आपका काम नहीं हो रहा है तो आप दूसरी कंपनी में ट्राई करें, तीसरी में करें, करते रहिए। जब अगर आप ठाली हो, काम नहीं है तुम्हारे पास कुछ, तो करते रहिए। अगर मैं ठाली हूँ एग्जाम्पल, मैं तो जॉब ढूंढ ही रहूँगा जब तक जॉब नहीं मिलेगी। तो आप लोग भी ऐसा ही करें, ट्राई करते रहें, एक ना एक दिन मिल जाएगी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनको इस तरह से जॉब मिली हैं, और आपको भी जो है इस तरह से जॉब मिल जाएगी। मुझे खुद इस तरीके से जॉब मिली है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। अभी बात करते हैं तरीका नंबर चार, चौथा तरीका ये है, थोड़ा एक्सपेंसिव है पर अगर आप थोड़े पैसे इन्वेस्ट करोगे तो शायद आपको जॉब अच्छे से मिल जाएगी। तो चौथा नंबर ये है, आप खुद आएँ दुबई, अपना वीज़ा लें, टिकट लें, आप खुद दुबई आएँ। दुबई आके यहाँ पे अपनी CV प्रिंट करें, और CV प्रिंट करके आप कंपनियों में जा जा के दें, या यहाँ पे आके आप जो है ऑनलाइन अप्लाई करें, या बहुत सा अगर आप किसी को जानते हैं उसके थ्रू आपकी CV दें। मतलब आप दुबई विजिट वीज़ा पे आएंगे तो आपको कैसे ना कैसे जॉब कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगी। ये नहीं कि आपको आते ही जो है मैनेजर की जॉब चाहिए और वो चाहिए वो चाहिए। अरे जब आते हो आप दुबई में या किसी भी कंट्री में जॉब करने के लिए, ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। और एग्जांपल आपके पास जॉब नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना आपको। चोरी थोड़ी करोगे, या चोरी करोगे, चोरी करना तो अच्छी बात नहीं है ना। तो आप जो है ईमानदारी से कुछ ना कुछ करें काम, शर्माने की कोई बात नहीं होती, कुछ भी काम करें जो भी आपके लिए बेहतर है, पर करें। इवन अपनी कंट्री में आप हैं वहाँ पर भी कुछ ना कुछ करें, अपनी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए थोड़ा मोटा कुछ तो करें, जिससे कि आपका डेली का जो घर का खर्चा है या अपना खर्चा है वो निकल जाए। ठाली बैठने से कुछ नहीं होगा। तो आप अगर आपके पास पैसे हैं, आप दुबई विजिट वीज़ा पे आए और यहाँ पे आके जॉब ढूंढें, वो भी एक बेस्ट तरीका है। पांचवा तरीका जो है थोड़ा एक्सपेंसिव भी है और सही भी नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप किसी को जानते हैं तो यही तरीका यूज़ करें। पांचवा तरीका आता है आपका एजेंट। कुछ एजेंट होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, आपसे पैसे लेते हैं आपकी जॉब लगने के बाद। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप एजेंट को पैसे दे सकते हैं, तो आप इस तरह का एजेंट ढूंढें कि वो आपका वीज़ा, टिकट, सब कुछ आपको दिला दे, आपकी कंपनी में आपको सेटल करा दे, उसके बाद अपनी फ़ी ले। ऐसे बहुत सारे एजेंट हैं जो इस तरह के काम करते हैं। मैं यहाँ पे रहता हूँ दुबई में, कितने सारे लोगों से मिला हूँ जो एजेंट के थ्रू आए हैं, और उन्होंने पैसे अपनी पहली सैलरी आने के बाद दिए। आधे पैसे पहले दे देते हैं, आधे पैसे अपनी पहली सैलरी आने के बाद। या कुछ लोग ऐसे हैं जब उनके हाथ में वीज़ा, टिकट, सब कुछ आ जाता है, उसके बाद ही पैसे देते हैं। आप बिना किसी को ट्रस्ट किए पैसे बिल्कुल भी मत दें, और स्पेशली ऐसी सिचुएशन में जो आजकल चल रही है। तो और मैं रिकमेंड करूँगा एजेंट लोगों से थोड़ा बच के भी रहें। अगर आप किसी एजेंट को नहीं जानते हैं तो प्लीज़ उसके पास ना जाएं। अगर आप किस जानते हैं या उससे पहले कोई आपके जानने वाला बंदा गया है उस एजेंट से, तो आप उसके पास जा सकते हैं। अगर कोई आपको अच्छा एजेंट रिकमेंड करता है तो उसके थ्रू आप आ सकते हैं। ये तरीका फ्री भी है और फ्री भी नहीं है, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ये होता है एजेंट आपसे पैसे लेता है, और दूसरा तरीका ये होता है कि एजेंट आपसे कोई पैसे नहीं लेता है, क्योंकि कंपनियां जो हैं एजेंट को पैसे देती हैं और उनको बोलती हैं कि हमारे लिए बंदे लेके आओ यहाँ पे काम करने के लिए, हमें अपनी कंपनी में बंदे चाहिए, तो कंपनी एजेंट को पैसे देती है। और कुछ कुछ ऐसे एजेंट होते हैं साले इस तरह के, वो क्या करते हैं कि कंपनी से भी पैसे लेते हैं और आपसे भी पैसे लेते हैं। तो इन बातों को जो है आपको ध्यान में रखना है किसी भी एजेंट के पास जाने से पहले। अगर आप एजेंट के पास जाते हो तो जो तरीका मैंने बताया, आप पहले ये किसी से पता कर लें एजेंट के बारे में, तभी उसके पास जाएं, डायरेक्टली ना जाएं। ऑनलाइन पेमेंट नहीं करें कभी भी किसी को, फिजिकली पेमेंट करें, और सब कुछ होने के बाद ही पेमेंट करें। तो ये पांचवा तरीका मैंने बताया आपको एजेंट पर, ये मैं रिकमेंड करूँगा बिल्कुल लीस्ट, सबसे लास्ट में जो एक ऑप्शन आता है ना, कुछ भी नहीं बचता है, तब इस तरीके को यूज़ करें, वरना तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें। तो ये पांच तरीके थे, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को कर रहा हूँ मैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं जल्दी ही एक अनदर व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन। स्टार्टिंग के मैंने तीन चार तरीके आपको बताए हैं, एजेंट का तरीका छोड़ के जितने भी तरीके बताए हैं मैंने खुद ट्राई किए हैं सब तरीके, और जॉब मिल जाती है और मुझे भी मिली है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ एक बार और आप ट्राई करें इस तरह से, शायद मिल जाए आपको भी।